मैं हूं दिलजीत कौर। गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 36,330 वादों का हुआ निस्तारण, वसूले गए 1,18,29,432 रुपए। शादी समारोह में हुई मारपीट में युवक की मौत, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ कैंड ने किया खुलासा। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगा शौचालय निर्माण में लगने वाली राशि। गोरखपुर पुलिस और एसटीएफ को मिली संयुक्त रूप से कामयाबी, पकड़ा गया 15,000 का इनामी बदमाश, सीओ बासगांव ने किया मामले का खुलासा। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ का संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न, विभिन्न एजेंडों पर हुई चर्चा। ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत प्रदेश के सिंचाई एवं जिले के प्रभारी मंत्री ने शनिवार को विकास खंड चरगावा के विशुनपुर गांव में लगाया यात्री चौपाल, कहा गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी भाजपा। नियुक्ति को मांग को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी टू सैन रिजर्वेशन संगठन के सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष किया मौन प्रदर्शन। विश्व पृथ्वी दिवस एवं गंगा सप्तमी पर वन विभाग के विभिन्न रेंजों में किया गया वृक्षारोपण और निकाली गई प्रभात फेरी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक हुई संपन्न, 20 मई को आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन को सफल बनाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। 47 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई ग्रुप ए की पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। और यातायात गोष्ठी में लोगों को दी गई ट्रैफिक नियमों की जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा आपराधिक राजस्व सहित अन्य वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया, जिसमें कुल 36,330 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें से मोटर क्लेम से संबंधित 35 वादों, पारिवारिक वादों से संबंधित 28 वादों तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों से संबंधित 259 वादों का निस्तारण कर के 84,57,615 रुपए की छूट प्रदान करते हुए 1,18,29,432 रुपए नगद जमा कराया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राधिकरण के सचिव प्रकाश चंद्र शुक्ला ने बताया। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय जनपद न्यायाधीश गोरखपुर के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग के एवं जनपद न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण ने सहभागिता किया। प्री लिटिगेशन के तहत बैंकों के अधिकारियों ने भी मामलों का निस्तारण किया। न्यायालय एवं राजस्व अधिकारियों के द्वारा कुल मिलाकर 36,330 वादों का निस्तारण किया गया। साथ ही मोटर क्लेम के जो मामले निर्णित किए गए उसमें 1,34,00,000 रुपए से ज़्यादा प्रति कर दिया गया। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं सीनियर डिवीजन के न्यायालय द्वारा तकरीबन 2,00,000,000 के ऊपर की धनराशि का निर्गत किया गया। फौजदारी न्यायालयों के द्वारा 7,360 मुकदमों का निस्तारण किया गया और तकरीबन 2,00,000 से ऊपर अर्थदंड वसूला गया। इसी प्रकार बांसगांव में स्थित न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा
625 मुकदमों का निस्तारण किया गया और तकरीबन 1,00,000 से ऊपर के अर्थदंड जमा कराए गए। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मीडिया जन जिन्होंने कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है, मैं उन सभी लोगों का चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं और जनपद के जनवासियों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा चलाई जा रही इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया और ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का सुलह समझौते के आधार पर, जुर्म स्वीकृति के आधार पर निस्तारण कराया। मैं सभी लोगों का इसमें सहयोग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शादी समारोह में हुई मारपीट में युवक की मौत, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ कैंड ने किया खुलासा। बीती रात रात 11:30 बजे ग्राम भैरवपुर में जवाहरलाल के लड़के का बहुभोज था। बहुभोज में आदित्य नाम के लड़के जिसकी मृत्यु हो गई है, उससे कुछ लड़कों की बहस हो गई। बहस में वो शराब के नशे में थे, मारपीट हो गई जिसमें इसको काफ़ी चोटें आ गई। रास्ते में ले जाते समय इसकी डेथ हो गई। परिवारीजन ने 6 लोगों को नामजद किया है, नामजद में 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, 3 की तलाश की जा रही है। घटना बारात में हुई है, शादी समारोह में कि बाहर? रिसेप्शन था, बहुभोज था, उसी में ये घटना हुई, ये घटित हुई है। डांस को लेकर इन लोगों में कहाँ सुनी हो गई, पहले से भी कोई रंजिश थी? नहीं, पहले से कोई रंजिश नहीं थी। नशे में ये भी थे? हाँ, नशे में भी थे और वो लोग लड़के भी थे। 6 में से 3 की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, 3 की गिरफ्तारी हो गई है और 3 की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी तो विवेचना के विषय है। तो शादी में तो गए थे वहाँ पे? खाना खाए वहाँ से आया, फिर उसको फोन से बुलाया गया, दोबारा रास्ते घूम के आया तो लोग मारे पीटे। घर में पता चला कि घर में मारे थे, तो उसके बाद मट्टी बाहर फेंक दी। कब पता चला आप लोगों को? 12:30 बजे। तो वहाँ से हॉस्पिटल लाए थे? हॉस्पिटल में पता चला कि वहीं पता चला था कि इस तरह घटना हो? हाँ, सब वही। तारीख दिए? हाँ। कितने लोग खिलाफ दिए होंगे तारीख? अब जो वो मतलब भाई गए, हम तो नहीं दिए हैं, भाई को दिए हैं, अभी लोगों ने पाया। उन्होंने क्या नाम आपका? अशोक। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगा शौचालय निर्माण में लगने वाली राशि। ग्राम स्वराज के अंतर्गत रात्रि का प्रवास था जिसमें जिले के सभी आला अफसर मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पदाधिकारी जिला पंचायत मौजूद थे। इसमें सभी स्तर की पेंशन गाँव के लोगों को उपलब्ध हो, ODF गांव पूरा हो, अभी पूरा हुआ नहीं है तो अब इसको मई तक उन्होंने पूरा करने की बात कही है, लेकिन हमने संपूर्ण गोरखपुर को जनपद के लिए अभी तक प्रधान के खाते में रुपया जाता था स्वच्छ शौचालय का, अब रुपया प्रधान के खाते में न जाकर सीधा लाभार्थी के खाते में भेजेंगे। इसमें बीच का जो बिचौलियापन था वो खत्म हो जाएगा, शौचालय इज्जत घर के रूप में जो बनेगा उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, बहुत अच्छी तरीके से निर्माण का कार्य होगा, ये हमने रात ही निर्देशित कर दिया है। दूसरा, हर गांव में पूरे जनपद गोरखपुर में बिजली की व्यवस्था ठीक हो, गेहूँ तौल केंद्र खुलें, डॉक्टर अस्पतालों में रहें, दवाएँ उपलब्ध हों और जो इस समय आग लगती है तो फायर ब्रिगेड हर तहसील पर उपलब्ध रहे, इन सुविधाओं के बारे में कहा है और ग्राम स्तर के सभी अधिकारी ठीक से काम करें, जनता को गांव के लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम करें, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, स्कूल चलो अभियान भी कायदे से चलाया जाए, ऐसी बात है। बंदे कुछ ठीक हो रहे हैं,
और कुछ ठीक कर दी। अब मैं एक बार अब फिर आता हूँ बाढ़ की समीक्षा करने, जल्दी आऊंगा। इसलिए अब तालाब मैं भरवा दूंगा, पानी कुछ नहीं है तो कुछ आ जाएगा। तो ये गाँव पंचायत की कितनी संपत्ति बहुत इसको भी आप। गोरखपुर के गघा पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया इनामी बदमाश गोविंद यादव है, जिसके ऊपर आधा दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे अलग अलग धाराओं में पंजीकृत हैं। मामले का खुलासा करते हुए गोरखपुर के बांसगांव थाना अंतर्गत सीओ तारकेश्वर पांडे ने बताया कि यह अभियुक्त काफी दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार था। इसके खिलाफ धारा 307 भी लगाई जा चुकी है। इस मामले में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ बांसगांव तारकेश्वर पांडे ने बताया। ये गढ़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी, दोपहर के समय की बात है, लगभग 3-3.30 बजे के बीच में 19 तारीख को। इसके संदर्भ में मुकदमा लिखा गया था सर, उस पर इनाम भी हुआ था, वो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम गोविंद है, गोविंद और अलियास जय गोविंद, जय गोविंद बुलाते थे, गोविंद बुलाते थे। रहने उसके पिता का नाम जो है राधे श्याम है। ये लोग रहने वाले रावतपार थाना जंगहा के, ये पुराना अपराधी है, 2 बार हत्या में जेल भी जा चुका है, 3-4 इसके ऊपर लूट हैं, आर्म्स एक्ट के 4-6 मुकदमे मिला जुला के इसकी हिस्ट्री 10-12 मुकदमों की भी है पुराने। ये जो घटना हुआ था उस घटने में ये है कि इन लोगों का गांव पे लेखपाल आए हुए थे और लेखपाल जो है लेखपाल वहां पर जो है बाढ़ राहत के संदर्भ में वो पैसे का लेन देन मतलब कह रहे हैं उनका जो पासबुक होता है उसकी फोटो कॉपीज कलेक्ट कर रहे थे और खसरा खतौनी कलेक्ट कर रहे थे ताकि उसको ले जा करके राहत मिल सके। गोविंद का कहना ये था कि लेखपाल कुछ पैसे की भी डिमांड कर रहे थे कुछ गांव वाले लोगों से, उनसे भी कुछ पैसा लिया गया था, मगर वो उसको अपोज किया उसने, क्योंकि उसके साथ जो राम जन्म थे गांव के ही राम जन्म यादव एक जिसको गोली लगी है, ये कभी गोविंद का बहुत बढ़िया मित्र हुआ करता था, संग में साथ में खाते पीते थे और शायद पार्टनर इन क्राइम भी थे, अपराध में भी साथ शामिल रहा हो, मगर इधर 1-2 साल से इन लोगों का उठना बैठना थोड़ा कम हो गया था। तो उसका ये कहना है कि वो पैसा राम जन्म इकट्ठा कर रहे थे और फिर राम जन्म से जाकर उलझा कि तुम पैसा क्यों ले रहे हो, तो इसका पैसा लोगों ने लौटा दिया, लौटा तो दिया मगर इसको फिर कुछ देर बाद इसको वहाँ से थोड़ा दूर जो है सियर मोड़ है नदी पार करके ही हमारे गघा क्षेत्र पड़ता है वहाँ इसको बुलवाया तो ये भी गया, बातचीत होने लगी, बातचीत में कहा सुनी पड़ गई, उन लोगों ने इसको मारने की कोशिश की, तब तक ये इसके अपने पास कट्टा रखा हुआ था निकाल के फायर कर दिया। तो इसका मतलब चूंकि अपराधी किस्म के लोग हैं साले, हमेशा गट्टा उट्टा लेके घूमते रहते हैं, इनका कोई ये इशू नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी इस बात का मतलब ये नहीं, इनको जब भी पकड़ लिया जाए इनके पास कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो इस तरह की उसकी प्रवृत्ति थी, फायरिंग कर दिया, फिर काफ़ी मुश्किल से काफ़ी मेहनत से रिवॉर्ड करके दौड़ा उड़ा के किसी तरह से पकड़ा गया है। ये मतलब एक अच्छा अचीवमेंट है थोड़ा सा। कितने केस हैं अभी तक दर्ज इसके ऊपर? तो मैं बता तो रहा हूँ कि 2 बार हत्या में जेल गया है, कम से कम 4 इसके पास लूट हैं, आर्म्स एक्ट के 3-4 केसेस हैं, बाकी और गाली गलौज मारपीट के छोटे मोटे 3-4 केसेस हैं, तो 12-13 केसेस हैं पूरा, उसका भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो संगठित गिरोह भी है क्या अकेले? नहीं, गिरोह नहीं है, गिरोह का नहीं है, मगर इसके मतलब फाइल ही हैं भाई, हर अपराध का कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, तो उसके फाइल ही हैं। एक और बढ़िया काम गघा में हुआ था, मतलब हुआ है क्या, मतलब हम लोग गिरफ्तार तो नहीं कर पाए हैं बट बहुत प्रेशर किया गया, बहुत दौड़ाया गया उसको, जितने ठिकाने पर वो जाके रुकता था 1.5-2 घंटे में हमारी पुलिस पहुंच जाती थी हमारा बढ़िया मुखबिरी के वजह से, तो अंततः उसको लगा कि हाँ पकड़े जाएंगे, उस पर रिवॉर्ड भी हम लोगों ने करवा लिया था। तो एक प्रकरण और इससे पहले हुआ था जो शीनू सिंह का था, जो दुकान में जाके घुस के फायर किया था, आप लोगों को याद होगा, एक प्रकरण अखबार में भी काफ़ी आया था, मनबड़ किस्म का वो भी है, उसके खिलाफ भी 10-12 मुकदमे हैं, तो फाइनली उसने आत्मसमर्पण कर दिया है कोर्ट में। क्या नाम है? शीनू सिंह इनके हाँ, ये सन ऑफ कपिल देव सिंह, ये रहने वाले मझगावा के हैं, गघा के ही, गघा थाना के पास के ही गाँव है,
शीनू हैज ऑल्सो सरेंडर्ड, उन्होंने भी कोर्ट में कल अपना सरेंडर कर दिया है। अब हम लोग का मूल मकसद ये है, शीनू के साथ दूसरा आदित्य पहले ही पकड़ा गया था, जो दो लोग थे उसमें नामजद, वो गोलू उसका गोलू नाम था उसका, वो पहले ही पकड़ा जा चुका, वो जेल जा चुका था। शीनू भागा हुआ था और शीनू ज़्यादा शातिर था, फायरिंग भी शीनू ने ही किया था, सीसीटीवी फुटेज में शीनू ही है, तो वो जो है मतलब वो पकड़ा गया फाइनली, वो सरेंडर कर दिया। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि हम लोगों का अब आगे का प्रोसेस ये है कि जो इनके जामीनदार हैं वो लोग इनको हार्बर कर रहे थे, इनको शरण दे रहे थे, उन्हीं को लेके घूम भी रहा था, तो हमारा अगला कार्रवाई अब उनके जमानतदारों के खिलाफ होगा, हम उनको भी जो है कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत ले आएंगे। रविवार को अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ का संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन प्रधान डाकघर परिसर में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का स्वागत किया गया। अधिवेशन का शुभारंभ नगर विधायक ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अधिवेशन में मंडलीय सचिव द्वारा द्विवार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण एवं सभा द्वारा पारित किया जाना, आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करना और आम सभा में पारित किया जाना, संगठनात्मक पहलू पर विचार विमर्श सहित विभिन्न एजेंडों पर चर्चा किया गया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए नगर विधायक ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक डाकघर डीबी त्रिपाठी, क्षेत्रीय सचिव उमा शंकर सिंह, मंडल सचिव जनार्दन सिंह सहित अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रांतीय सचिव अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ डॉक्टर शेष मणि त्रिपाठी ने कहा, हमारे सहायक निदेशक शर्मा जी, सहायक निदेशक, तमाम मंडल हमारे अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस धरती पर, उनकी ओर से भी मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं आपको स्मरण दिलाऊं कि पहले यहाँ पोस्ट मास्टर जनरल की पोस्ट नहीं हुआ करती। आपको याद होगा उस जमाने में जब आप लोग अपने सांसद से मिला करते थे, उसके लिए प्रयास करते थे कि ये पोस्ट मास्टर जनरल का पद यहाँ स्थापित हो जाए। मुझे अभी भी याद है उस जमाने में माननीय योगी जी ने विधानसभा लोकसभा में आपके लिए प्रश्न उठाया था, वो मुझे लगता है कि 2003-04 का दो, हाँ उस जमाने का दौर था जब मैं उनका लेखाकार हुआ करता था, ड्राफ्ट मैन। को बताऊं कि सेवानिवृत्त होने के बाद कर्नल त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के एक अत्यंत सक्रिय कार्यकर्ता बन गए और लखनऊ में बैठ करके हम लोगों की विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों में पूरी पर्याप्त रुचि लेते हैं। दो चार नई योजनाओं को सामने ला सकती है और अगर योजनाएं सफल हो जाएं तो मोदी जी को देर नहीं लगेगा उन योजनाओं को एडाप्ट कर लेने में और पूरे देश में लागू करने में। कर्मचारियों के बारे में, इन कर्मचारियों का तो बहुत दृष्टि से उपयोग हो रहा है। आज सच्चाई यह है कि सेंसस करने में, सर्वे करने में आपके विभाग की विश्वसनीयता नंबर एक पर है। दो बार साल में, दो साल में एक बार चुनाव होता है, इसको द्विवार्षिक अधिवेशन बोलते हैं। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन P3 गोरखपुर डिवीजन का यह द्विवार्षिक अधिवेशन है। कर्मचारी अपनी समस्याओं पर चर्चा पर चर्चा करेंगे, इसके बाद आगामी वर्ष के लिए दूसरी कार्यकारी का चुनाव होगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। जिला वैधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 36,330 वादों का हुआ निस्तारण, वसूले गए 1,18,29,432 रुपए। शादी समारोह में हुई मारपीट में युवक की मौत, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ कैंट ने किया खुलासा।
सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगा शौचालय निर्माण में लगने वाली राशि। गोरखपुर पुलिस और एसटीएफ को मिली संयुक्त रूप से कामयाबी, पकड़ा गया 15,000 का इनामी बदमाश, सीओ बासगांव ने किया मामले का खुलासा। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ का संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न, विभिन्न एजेंडों पर हुई चर्चा। ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत प्रदेश के सिंचाई एवं जिले के प्रभारी मंत्री ने शनिवार को विकास खंड चरगावा के विशुनपुर गांव में लगाया यात्री चौपाल, कहा गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी भाजपा। नियुक्ति को मांग को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी टू सैन रिजर्वेशन संगठन के सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष किया मौन प्रदर्शन। विश्व पृथ्वी दिवस एवं गंगा सप्तमी पर वन विभाग के विभिन्न रेंजों में किया गया वृक्षारोपण और निकाली गई प्रभात फेरी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक हुई संपन्न, 20 मई को आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन को सफल बनाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। 47 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई ग्रुप ए की पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। और यातायात गोष्ठी में लोगों को दी गई ट्रैफिक नियमों की जानकारी। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, अब खबरें विस्तार से। ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत प्रदेश के सिंचाई तथा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने शनिवार को विकास खंड चरगावा के विशुनपुर गांव में रात्रि चौपाल लगाया और गांव में ही रात्रि विश्राम किया। इस दौरान पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SSP शल्लभ माथुर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी तथा भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। चौपाल में प्रभारी मंत्री ने राशन कार्ड, राशन वितरण, स्वास्थ्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विद्युत विभाग, शौचालय निर्माण के प्रगति, विधवा वृद्धा पेंशन, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की गाँव वासियों के साथ समीक्षा की। मंत्री ने गाँव वासियों से क्रमवार एक एक कर योजनाओं के प्रगति संबंध में जानकारी ली, जिसमें मंत्री को राशन वितरण में काफी शिकायत मिली, जिसके लिए मंत्री ने जिलाधिकारी को राशन वितरण के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने तथा कोटेदार के कार्यों की जांच कराने के निर्देश दिए। इसके साथ विद्युत विभाग को ग्राम सभा में प्रत्येक घरों के सामने निःशुल्क LED बल्ब लगाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अब ODF की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों पर आधारित अब गांवों का विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया, देवी जी से अपने प्रभारी मंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके सभी कुमार सिंह जी का आगमन हुआ। लोकप्रिय जिला अध्यक्ष माननीय प्रभारी मंत्री ने चरगांव मंडल अर्पण करके स्वागत करें। अभी हमने 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई थी। बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर जी का ये सपना था कि गांव गरीब किसान जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जब उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी तब बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा होगा। योजना कराए, देखिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी का और हम लोग का जो
मुख्यमंत्री जी का सपना है गांव को एक स्वराज गांव के रूप से देखने जा रहे हैं। स्वराज यानी जो अपने संसाधन से जुड़ा हो और इनका हर परिवार स्वच्छता और जो खुशहाली का एक तरफ केंद्र हो, उसी के दिशा में 86 गांव यहां जो गोरखपुर जनपद में चयनित हुआ है केंद्र सरकार के अंदर, इसी के अलावा 19 गांव राज्य सरकार ने भी कहा किससे जो गांव पंचायत में गांव में SC ST का संख्या ज़्यादा है उसको जोड़ते हुए 19 गांव जोड़ दिए। टोटल 105 गांव हम लोग एक स्वराज अभियान के तौर से ले रहे हैं। ये एक तरफ अभियान है, 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन के दिन में शुरू हुआ था, इसको मई 5 तक इसको अभियान को चलाना, इस अभियान साइंटिफिक तरीके से हम लोग चला रहे हैं। आप तो जानते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर से इसी गांव में हम लोग चिन्हांकन करने के बाद घर घर गए थे, हम लोग 14 परिवार के घर घर जा करके उनके घर में क्या कमी है उसको नोट करवाया, हम किसके पास विद्युत कनेक्शन नहीं है, किसके पास गैस कनेक्शन नहीं है, किसके बच्चे का टीकाकरण नहीं लगाया है, किसका अकाउंट नहीं खोला है और किसका जो बीमा के अंदर वो कवर नहीं हुआ है, इसी टाइप का हम लोग पूरा चेकलिस्ट बना है घर घर जाकर। ऐसे 105 गांव में हम लोग सर्वे किए, वही हमारा लक्ष्य हो गया। अब उसी हिसाब से मान लीजिए इसी गांव में आच्छादित करने के लिए हम लोग वहाँ से मतलब पहले से अभियान चालू कर रहे हैं, एक एक करके हो रहा है। कल वैसे उज्ज्वला दिवस 14 परिवार का हम लोग घर घर जा करके सर्वे करके निकला है। यहाँ मान लीजिए 125 लोग का उज्ज्वला कनेक्शन का हम जरूरत है, हम लोग 217 लोग का कनेक्शन दे चुके हैं, और लोग को भी देंगे। उसी दिशा में विद्युत कनेक्शन 148 परिवार का हमें जरूरत है, 666 लोग का हम करा चुके हैं। उसी टाइप का अभी तो जीवन ज्योति योजना के अंदर जो आपका अकाउंट खोलना है अभी सारे परिवार को खोलना अवशेष है, इस तरह से हमारा पूरा लक्ष्य तय हो गया। इस पे आप लोग को पूरा आच्छादित करेंगे, यानी जो केंद्र सरकार राज्य सरकार का कितने योजना है आपका घर का दरवाजा तक पहुंचाने के लिए काम हम लोग करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश यही है, ये अंत्योदय में जो भी व्यक्ति है जो अंत छड़ी पे है उनका फायदा पहुंचाना है हम लोग एक तरफ से, जिसमें 16 विभाग मिले हुए हैं, बैंक सेक्टर में भी है, बिजली विभाग का है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, आपका कृषि विभाग है, सभी विभाग इसमें शामिल करते हुए प्रभारी मंत्री जी यहाँ आए हुए हैं। यहाँ आपके साथ राष्ट्रीय विश्राम भी करेंगे, उसका जो आप लोग का समस्या आप तो आते हैं, हमें भी ये निर्देश दिए थे कि गाँव में यदि जमीन संबंधित कोई भी विवाद हो पूरे निकल करके उसको सही कराए। उसी दिशा में सर हम लोग 2 दिन पहले से यहाँ अभियान चला रहे हैं सर, यहाँ जो कितने लोगों को पट्टा मिला है उन लोगों को पट्टा भी काट दिए, इसको 11 जो बारिशम दर्ज होना हो चुका है, जमीन संबंधित विवाद अभी एक भी बचा नहीं सर, 116 कार्रवाई कितने हैं वो भी निपटा गया है सर आपसी समझौता से। इसकी तरफ से ये गाँव है सर आज विवाद से मुक्त है, एक तरफ से हम कह सकते हैं सर विवाद मुक्त हम आराम से घोषित कर सकते हैं। पंचायत से बड़ा कुछ होता नहीं है, पंचायत एक ईश्वर का स्वरूप होता है और धरती की पंचायत बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो कोई असाधारण व्यक्ति ही चढ़ सकता है, आप असाधारण है तो ईश्वर को भी पंचायत का रूप मानना पड़ा है, तो कोई भी खड़ा होकर बता सकता है। वैसे अच्छा है आंगनबाड़ी आशा और ये सब बैठी हैं यहाँ, वैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं यहाँ जी सर, कोई डॉक्टर उपलब्ध है जी, आप डॉक्टर बुलाए आपने डॉक्टर हैं आप? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, आप पता क्यों नहीं रहे मैं डॉक्टर हूँ, तो सुन रहे हैं यू आर नॉट लुकिंग एज ए डॉक्टर, डॉक्टर की तरह दिखाई भी नहीं। तो आप बैठते हैं अपने हॉस्पिटल में? जी सर चरगांव बैठते हैं, चरगांव बैठते हैं ठीक है। मरीज आते हैं? जी सर। OPD कितने मरीजों की होती है? करीब 150 सर। आते हैं 150? जी सर। क्या सुन नाम है आपका? डॉक्टर धनंजय कुशवाहा। डॉक्टर धनंजय कुशवाहा। धनंजय कुशवाहा, आज 150 की OPD हुई है? आज सर 120 के आसपास। 120 ठीक है, जो हुई है वही बताना सर। दवा देते हैं आप? जी सर। मार्केट से तो नहीं लेते? नहीं सर।
जो बच्चों का जो प्रसूति का कार्यक्रम कार्य ये ठीक से होता है? होता है। रुपया शासन की मंशा के अनुरूप दिया जाता है? जी सर। महिला को? जी सर। बताओ का प्रसव ठीक हो रहा है? जी सर, हो रहा। लेबर रूम वगैरह ठीक है सर? हाँ सर ठीक है। आपके सहयोगी डॉक्टर हैं? नहीं सर, यहाँ अकेले हैं, सीएमओ सर हैं। आप लोग कोई दवा लेने गए हो डॉक्टर साहब के पास? यहाँ इसका मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों को अवसर नहीं मिला और बीमारी नहीं हो रहे, बहुत अच्छा है। ठीक है डॉक्टर साहब बैठ जाओ। पहले विकास है इसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरी प्राथमिकता सुरक्षा है। आज मैं जैसे लखनऊ से चला, मैंने डीएम से भी बात की और एसएसपी से ही बात की। डीएम से कहा कि आप अपने गांव में जाकर ये तय कर लें कि गांव बहुत ठीक ठाक रहे, 116 और इत्यादि के काम खत्म हो जाए। एसएसपी को भी कहा कि आप जाके देखें यदि गांव बात रहते हैं, मुकदमेदारी कोई नहीं है। मैं आज आप सब लोगों को प्रधान से और यहाँ के सभी मेम्बरान को, सभी निवासियों को बिशुनपुर के हृदय से स्वागत करता हूँ कि आपके गांव में कोई मुकदमा बाजी नहीं। और मैं महेंद्रपाल सिंह जी को चाहूंगा, मैं भी मदद करूंगा, इस गांव में स्पेशल विकास हो, जिलाधिकारी तय कर लें क्या करना है, मैं उसमें मत सहयोग करूंगा। इस गाँव का स्पेशल विकास होना चाहिए, इस गांव के प्रधान को अलग से विकास का धन देने का काम करेंगे ताकि ऐसे ही गांव जनपद गोरखपुर में बाद रहित गांव कोई गांव में मुकदमेबाजी ना हो। यानी बहुत अच्छा है कि आपके गांव में 116 नहीं, 116 झगड़े हो तो पुलिस क्या काम करती है, झगड़ा हुआ तो अपने बचने के लिए उसने 116 कर दी। अब आप बांधते रहो, पैसा लगाते रहो। तो आज आने का मतलब यहाँ यही था, मैंने दोनों अपने बड़े अधिकारियों को कहा कि बिशुनपुर गांव को बात रहे थे गांव हो तो मैं उनको आभार व्यक्त करूंगा कि ये गांव बात रहे थे। दूसरा, यहाँ अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी सरकार की प्राथमिकता होती है और इस प्राथमिकता में रहने के लिए मकान मिल जाए, तन ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए, खाने के लिए भोजन मिल जाए, दो तरीके का सुख होता है, एक तन का सुख और एक मन का सुख। तन के सुख के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए और मन के सुख के लिए ज्ञान विज्ञान अध्यात्म इत्यादि चीजें चाहिए। तो आज हम यहाँ बात करने आए हैं तन के सुख की, यानी रोटी कपड़ा मकान। किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है वह अपने नागरिकों को, अपनी जनता को रहने के लिए मकान उपलब्ध करा दे, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कर दे, आने जाने के लिए सड़कें दे दे, बिजली की व्यवस्था हो जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए, तो वो सरकार अपने में खरी सरकार मानी जाती है और वो सरकार अग्नि परीक्षा में पास मानी जाती है। योगी सरकार इन सभी कामों को प्राथमिकता से कर रही है, इसलिए अपनी परीक्षा में, अग्नि परीक्षा में सफल सरकार है। एक साल में वो काम किया गया जो पिछले 14 साल में नहीं हुआ। आज हम उसी क्रम में, इसी श्रृंखला में बिशुनपुर में आपके बीच बैठे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। बड़ा मकान सरकार की एक व्यवस्था है कि गरीबों को वितरण प्रणाली में फ्री, माने कुछ पैसा लेकर फ्री देने का काम, यानी जब बाजार से नहीं मिलता फ्री पड़ता है। तो यहाँ हमने जिलाधिकारी को कहा था कि कुछ राशन इत्यादि और ये सारे काम कुछ करने के हैं,
तो वो उन्होंने किए हैं, मेरे पास इसमें आया हुआ भी है। आप लोगों को राशन वितरण में आपको राशन ठीक ठाक मिलता है? नहीं मिला। ठीक है, देखिए आपस में कतई बात नहीं करोगे, जो बोलोगे वो हमी से बोलोगे और गुस्सा होके नहीं बोलोगे, गुस्सा होके नहीं, बहुत सहज भाव से कहना। आज हम आपको आपकी समस्याओं का, जनता की सरकार, जनता के दरबार, जनता के द्वार, आज योगी सरकार आपके दरबार आई है, इसलिए राशन वितरण प्रणाली ठीक नहीं है, नियंत्रण जरा इसको ध्यान रखो। और यहाँ पर एक अधिकारी तय करो, वो स्वयं खड़े होकर राशन बंटवावे और कोटा डीलर की जांच कर लीजिए। जांच में यदि ठीक काम करता है तो कोई बात नहीं है, और ठीक वितरण नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। हमारा नहीं मिला आज, राशन कार्ड आपको नहीं मिला, क्या नाम है जरा नाम कौन, आपकी कार्रवाई तो लिख रहा है, डीपीआरओ कहाँ बैठे हैं भाई, लिख रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, रामलाल लिख रहे, क्या नाम है आपका, निर्मल शर्मा, निर्मल शर्मा, आपके राशन कार्ड नहीं है, कब से नहीं है, 15 साल से राशन कार्ड नहीं है, आपका क्या नाम है, परमल, आपका राशन कार्ड नहीं है, आराम से प्रेम से, पीला राशन कार्ड है, ये मालूम है, खेत की बात नहीं कर रहे हैं, राशन कार्ड की बात, राशन राशन कार्ड, अभी खेत की बात करेंगे तो बुला लेंगे, राशन कार्ड, एक तो आपके राशन कार्ड नहीं, आप पर नहीं, आपका नाम बोलो, परमानंद, और आपका सब ठीक है, खराब तो नहीं है कोई, जो नल है आपके वो सब ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है, खराब नहीं, खराब नहीं है, और यदि कोई खराब भी हो तो उसको ठीक करा दीजिए, वीडियो है, वीडियो वीडियो आ रहा है, वीडियो, जल निगम का कोई अधिकारी है, आप वीडियो तो आप देख लीजिए, सारे सिस्टम नलों का और ये सब अधिकारी है, कोई जल निगम का डील कर, ग्राम पंचायत करा दी, ऐसा तो आप लोगों को ही आ रहा है, ठीक है, हो रहा है, कम है जी, बड़े हैं दो, दो बड़े हैं, अभी थोड़ा सा गेहूँ की खेती होती, शादी उदी के नाते बच्चे जो है आने में असमर्थता जता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और डे बाय डे डोर टू डोर हम लोग जा भी रहे हैं। माननीय विधायक जी को बुलाया कभी? नहीं सर, अभी तो यहाँ पे हुआ था, हम लोग आए भी थे, साथ में रैली की झंडी भी सर दिखी, रैली की जी, और थोड़ा और प्रयास करो गाँव में, एक बार मास्टर साहब चले आए, पहले अध्यापक लोग जाते थे, बड़ा सम्मान मिलता है, हम लोग जाते हैं सर, परिवारों में जाओगे तो बहुत सम्मान मिलेगा, सर आप पूछ लीजिए, हम लोग जाते हैं, पूछ नहीं, हम तो आपसे ही बात कर रहे हैं, जी जी जी, परिवार में जाओगे तो सम्मान मिलेगा, गरीबों के बच्चे पढ़ाओगे तो आपका बहुत स्वाभिमान बढ़ेगा, इसलिए प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को इकाई दहाई सैकड़े का ज्ञान है, जी सर ज्ञान है, हिंदी पढ़ना आती कक्षा 5 तक, एक के बच्चे, दो के बच्चे में नहीं, 3, 4, 5 इंग्लिश, मैं तो कक्षा 5 की बात करूं, जी जी 100 आती है, जी जी, कभी हम देखेंगे जरूर आप, ठीक है जी, इनको प्रवेश करवाइए, और आप लोग भी देखिए बच्चों को पढ़ने भेजिए प्राइमरी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई सरकार की ओर से बहुत अच्छी, अच्छे अध्यापक आ रहे हैं और सारे अध्यापक पढ़ाने का काम करेंगे, आप अपने सारे टीचर्स को समय से आइए और समय से छुट्टी करिए, बच्चों को पढ़ाने का काम करिए, आएगी तो गांव में नहीं आएगी, बाढ़ प्रभावित नहीं करेगी, हम पक्का इंतजाम किए देते हैं आपको।
पत्ता इंतजाम करने की बात कह रहा हूँ, बंदर टूटा हुआ वो बच जाएगा। हम कह रहे हैं अब आपके इसको बाढ़ आपको नुकसान नहीं करेगी, तो नदी का सम्मान कम हो गया इसलिए समस्याएं बढ़ रही। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, समाज में नीर यानी पानी की कोई कीमत ही नहीं रहती। दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन एक स्थान है, पीने का पानी कम हो गया, पानी रहेगा नहीं जनता को पीने का। ऐसे ही पानी का हम इतना अपव्यय करते हैं, पानी को बहाते रहते हैं और जमीन में भी पानी रहने गया है, कब तक पानी निकालोगे? जमीन भी पानी देना बंद कर देगी, इसलिए पानी का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो और नदी का भी सम्मान हो। नदी को आप सम्मान नहीं करते, नदी में जहाँ चाहते हो वहाँ उसको अतिक्रमण कर लेते हो, जहाँ चाहते हो उसको तोड़ मरोड़ कर लेते हो, जहाँ चाहते हो उसके फ्लड जोन में मकान बना लेते हो। तो इस तरीके से इस बार नीर, नारी और नदी इनका सम्मान बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके किनारे एक सभ्यता बसती है। इससे जीवन, जलवायु और जमीन इन तीन चीजों से क्या सुरक्षित होगा? जीवन ठीक होगा। पात्रता के आधार पर उसकी यूनिट जो जिस पात्र है, जिस तरीके का है उसका कार्ड वैसे ही बने। तो राशन कार्ड हर चीज में आवश्यक होता है। आपका आधार कार्ड है सब पर? आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि अब हर चीज आधार कार्ड से लिंक हो रही है। राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सब बन जाए। तो राशन कार्ड की एक प्रमुख समस्या थी जो यहाँ सामने मेरे आई है, इसका हम निराकरण करेंगे। पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधान जी हमारे बराबर बैठे, जो गरीब है वास्तव में उसका आवास जरूर बनना चाहिए, और जो गरीब नहीं है उसका आवास कतई नहीं बनना चाहिए। ये दोनों बातों पर हमारे अधिकारी भी ध्यान दें, वीडियो विशेष चिंता करें, उनके सहयोगी विशेष चिंता करें। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्ति को ही लाभ दें, आप अपात्र कतई ही लाभ ना उठा पावे इसकी आप चिंता कर लें। पीआरओ बैठ होगी, बात कर लेंगे, बाकी चीजें देख लेंगे, यही बैठ कर बात करेंगे, लिखते रहिए। जनपद गोरखपुर आप कितने में करा लोगे? नियम साहब गोरखपुर कर लोगे अगस्त तक? 370 हो गए, बाकी हम लोग सर पर डे 1500 सोचने बना रहे हैं। इसको आप प्राथमिकता से लीजिए। कितना कब तक करोगे इसको पूरा? 45 दिन में सर सोचने बनने में टाइम लगता है, थोड़ा सा और दिन सर पूरे जनपद कब तक होगा? 31 अगस्त 95,000 बनाने बाकी हैं। राम बच्चन है धनेश तुम्हारा घर है? अच्छा ठीक है, खुद देख लीजिए बोरी। विद्युत कनेक्शन फ्री दिए गए हैं अभी? मैं पास करवा मिले। ठीक है, क्या नाम है आपका? खड़ा होगा। जनधन योजना के खाते खुले हैं कुछ लोगों के? जनधन योजना में खड़ी बहुत अच्छा है। चलिए टीकाकरण हुआ है, कुछ को टीके उनके लगे टीकाकरण की? स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जिलाधिकारी जी जरा देखें इसको, मुद्रा योजना ये
आप बैंक इसमें मदद करें, इस पे भी आप देख लो इसके लिए। 814 परिवार है, 814 परिवारों में एक एलईडी बल्ब हम फ्री, सब मैंने डीएम को कह दिया है, हर एक परिवार में फ्री लग जाएगा, कोई पैसा नहीं जाएगा। आनंद साहब को बता दिया, उन्होंने ये कह के भेजा कि धर्मपाल सिंह जाओ इस गांव में एक एक बल्ब हर एक के दरवाजे पर एलईडी फ्री लगवा दो। तो मैं योगी जी की तरफ से आपके गांव में एक एलईडी लाइट फ्री देके जा रहा हूँ। अब तालियां तो जोर से दो, फिर आकर ही देखेंगे बिजली विभाग के लोगों को। अब क्या हो एक्सीएल सहयोगी है, एक्सीएल है, आप इस गांव को चाकचौबंद करके कर दो, बिजली आनी चाहिए, ठीक है। चलो आप लोग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन्हें राज्यसभा में जनसंघ से भेजने का काम किया, तब वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उस अध्यक्ष बनने पर उन्होंने भारत का संविधान लिखा जो दुनिया का श्रेष्ठ संविधान है। उसी संविधान का अनुपालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने करते हुए कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने नहीं भिजवाया राज्यसभा में, किसी और दल ने नहीं भिजवाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राज्यसभा में भेजने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया जो जनसंघ के संस्थापक थे। गांव में स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुरक्षा की, बिजली की, राशन कार्ड की आपूर्ति की और एक तरीके से राशन वितरण प्रणाली की ये समस्याएं आई थी, इनको विधिवत और व्यवस्थित ढंग से निराकरण कर दिया गया और पेंशन, विधवा अवस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, इसके बारे में भी आदेश कर दिया गया है। राशन वितरण प्रणाली के साथ साथ राशन कार्ड नहीं है गांव में ज़्यादा समस्या के, वो भी आदेशित कर दिया गया है। और इस गांव में उपहार स्वरूप माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है, बिजली विभाग के द्वारा एलईडी बल्ब 814 परिवार हैं, सबके परिवारों में एक बल्ब फ्री लगाया जाए। सर, सफाई कर्मियों की समस्या आई है तो क्या निर्देश? हाँ, सफाई कर्मियों के लिए मैंने जिला पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया है, जो मुख्यालय पर जिन अधिकारियों के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, वो सब गांव पंचायतों में तैनात होंगे, ऐसा निर्देश है। ओडीएफ में सर पैसा कहाँ जाएगा? ODF में ज़्यादातर 31 सितंबर तक पूरा जनपद गोरखपुर ODF हो जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं। नहीं सर, जो प्रधान के खाते में पैसा जा रहा है कि अच्छा वो, हाँ ODF के लिए आज अभी तक ये सूचना यहाँ मिली कि प्रधानों के खाते में रुपया जा रहा था। आज हमने DM गोरखपुर को कहा है कि प्रधानों के खाते में अब ODF का रुपया नहीं जाएगा, लाभार्थी के खाते में सीधा ODF का रुपया जाए, ताकि बिल्कुल व्यवस्थित और अच्छा निर्माण। UGC द्वारा निर्गत 20 अप्रैल वर्ष 2018 के अनुसार 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी किए जाने की मांग को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी टू सैन रिजर्वेशन के गोरखपुर इकाई के सदस्यों द्वारा रविवार को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव, डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्ला, अमन यादव, संतोष कुमार, अजीत कुमार सहित संस्थान के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा, विद्यालय रोस्टर वाला कैसा मौन प्रदर्शन आज आप लोग द्वारा किया जा रहा है? और मौन प्रदर्शन में क्या बोला जाए, स्थिति यह है कि पूरे देश में शिक्षा विभाग में डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, सेंट्रल विश्वविद्यालय सभी में संविधान की अवमानना करते हुए जो अनुच्छेद 340, 41, 42 में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़े वर्गों को जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है उस पर लगातार ये सरकार हनन करती जा रही है। अभी बीच में इतनी समय लगभग 60% जगहें पूरे देश में विश्वविद्यालयों में और डिग्री कॉलेजों में खाली हैं और
नियुक्ति की जहाँ तक बात है, इन वर्गों का अनुसूचित जात जनजात और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व 4-5% मात्र है इन सारे नौकरियों में। उसके बावजूद एक्ट में बिना परिवर्तन किए और सारे विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और उसका आधार ये कहा जा रहा है कि जब 5 पद होगा तब 1 पद अनुसूचित जात को और 4 पद होगा तो 1 पद पिछड़े जात को मिलेगा, जबकि एक्ट में कहीं ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। इसी के खिलाफ पूरे देश में दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस, हर फैजाबाद, हर जगह ये आंदोलन किया जा रहा है कि जो हमारा संवैधानिक प्रतिनिधित्व का अधिकार है वो हमको अनुसूचित जात पिछड़े वर्गों को 50% विकलांगों को मिलना चाहिए। रविवार को विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में वन विभाग गोरखपुर द्वारा विभिन्न रेंजों में वृक्षारोपण किया गया, साथ ही पृथ्वी एवं गंगा सप्तमी गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक संगीता यादव चौरीचरा ने उपस्थित सभी लोगों को कम से कम 5-5 पौधे अपने अपने घरों में लगाने का आह्वान दिया तथा पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने एवं उनके वैज्ञानिक प्रयोगों हेतु बताया, जिसमें वन कर्मियों के साथ स्कूली बच्चे एवं किसान और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जागरूकता रैली एवं प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर विभिन्न जगहों पर गोष्ठी का आयोजन किया गया जहां वक्ताओं ने पृथ्वी और गंगा सप्तमी पर अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण, किसान, स्कूली बच्चे और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर उप वन प्रभाग एम के शुक्ला ने कहा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष हमारे मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए थे कि हम प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस दिवस को मनावें और जिन जिलों में गंगा नदी बह रही है वहाँ पर हम ग्राम स्तर पर भी मनाएंगे। आज गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत हमारा एक रेंज तिलकुनिया है, उसके अंतर्गत जनता इंटर कॉलेज में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और मुख्य अतिथि श्रीमती संगीता यादव, माननीय विधायक चौरीचरा रही। और पृथ्वी दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य जो हमारे पर्यावरण का असंतुलन है तथा इससे उपजी हुई अन्य प्रतिकूलताएं, चाहे वो मौसम की हो, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, चाहे वो सूखा के रूप में हो, इनसे सामना करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के साथ साथ पौधों को बचाने के संबंध में संदेश दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना तथा मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना का भी जो है वो प्रचार प्रसार किया गया। ये दो ऐसी अनूठी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत कृषकों को अपनी मेड़ों के किनारे या उपलब्ध भूमि पर पौधा लगाने के लिए, फलदार पौधा लगाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है जिसको हम लोग संचालित कर रहे हैं। इसमें अन्य भी कई विभाग, उद्यान विभाग है, अन्य तथा ग्राम विकास विभाग है, ये सहयोग करेंगे। भारतीय समाज पार्टी की बैठक रविवार को रेलवे स्टेशन रोड स्थित सिंचाई डाक बंगले में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से 20 मई को आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन को सफल बनाने, प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, सदस्यता अभियान व पार्टी को मजबूत करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राजभर, मंडल उपाध्यक्ष गुड्डू दुबे, मंडल प्रमुख महासचिव अनोखे लाल राजभर, जिला अध्यक्ष पवन राजभर सहित कई अन्य मौजूद रहे। आप सभी आए कार्यकर्तागण, पदाधिकारियों को मैं लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद था कि भी अगले महीने कुशीनगर में अब तक पिछड़ा महादलित सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें हम सबों की भागीदारी सुनिश्चित हो तथा पार्टी के सदस्यता अभियान को किस तरह से हम लोग और आगे बढ़ाएं ताकि बूथ स्तर तक पार्टी के हर कार्यकर्ता गढ़ अपनी बृहस्पति दर्ज करा सके। साथियों, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मिशन है आने वाला 2019, हम लोग अभी से इसकी तैयारी करें, इसमें जितनी भागीदारी महिलाओं की भी हो है उतनी भागीदारी हमारे पुरुष वर्ग की भी होनी चाहिए। हमने इस कार्यक्रम को इसलिए बुलाया था
कि आने वाले समय में घड़ी आने वाली है और हम सबको इस परीक्षा की घड़ी में आने वाला 2019 के लिए संकल्प लेकर के यहाँ से जाना होगा। और जिला इकाई की समीक्षा बैठक में मंडल के सारे पदाधिकारी, जिला के ब्लॉक और विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मैं सभी भाइयों को, उन सभी पदाधिकारियों को बुला करके हम चाह रहे थे कि यहाँ पर उनका स्वागत हो, उनका परिचय हो, जिससे हमारी परिवार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आकार धीरे धीरे विस्तार रूप से बड़ा होते चले। महिला जो पदाधिकारी है उन सबों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उस शराबबंदी को और तेज गति देने के लिए इस सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि ये हमारी मांगे जो है, इन गरीबों की मांगे और पिछड़ों की मांगे हैं, ये जो समाज में कुरेती है और जो बुराइयां हैं फैल रही हैं, जिससे समाज पीछे हो जाता है, गरीब लोग पीछे हो जाते हैं, अपनी मांग को रख नहीं पाते। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास तब होगा जब ये सारा बंदी उत्तर प्रदेश में हम लागू करा देंगे तब। रविवार को पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा ग्रुप ए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सीसीटीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा प्रथम पाली में 39 परीक्षा केंद्रों पर कुल 19,555 परीक्षार्थियों में से 17,700 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिए, 1854 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में 8 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,047 परीक्षार्थियों में से 3,559 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिए, जबकि 484 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रधानाचार्य जुबली इंटर कॉलेज के आनंद प्रसाद यादव ने कहा, तकनीकी प्रवेश परीक्षा चल रही है, 500 कुल परीक्षार्थी हैं, 44 एब्सेंट हैं, 456 प्रेजेंट हैं। वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस वाले लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारा स्टाफ है। इस दौरान परीक्षा देके लौट रहे परीक्षार्थियों से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने अपना अनुभव कुछ इस तरह से बताया। कैसा रहा पेपर? अच्छा गया। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, निकालने के ऊपर है कि आज पॉलिटेक्निक एग्जाम था, पेपर सारे सब ईडियम मीडियम में आए थे और सुरक्षा व्यवस्था एकदम सही था, सारे टीचर ध्यान दे रहे थे, सीट भरवा रहे थे आराम से, हम लोग एकदम मिजाज में, हम लोग आंसर लिख रहे थे, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं थी, हर चीज़ की सुविधा है। क्या इंतजाम तो ठीक है? यहाँ का व्यवस्था पर कैसा था? पेपर अच्छा हुआ है। कहाँ से आई हैं? सवाल आए थे, किस तरह के सवाल थे? सवाल तो शॉर्ट में थे, सब कुल मिला के कैसा प्रश्न पत्र माना, आसान था कि कठिन था? आप बताइए। बहुत ही मतलब पेपर से मैंने पहली बार पेपर दिया, बहुत ही मजे आई पेपर देने में, और मैं कहना चाहता हूँ अच्छी तरीके से एग्जाम हुई, नकल ना हो पाए इसके लिए पूरी व्यवस्था चाक चौबंद थी, पूरी चाक चौबंद थी, पूरी व्यवस्था थी, नकल एक भी नहीं हुई, मतलब बच्चे नकल नहीं किए और मैं भी नकल नहीं किया, अच्छे से एग्जाम दिया। और यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को दूसरे दिन एक यातायात गोष्ठी का आयोजन यातायात कार्यालय पर किया गया, जिसमें ऑटो रिक्शा चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस मौके पर TSI BN गुप्ता, हरिद्वार सिंह सहित अन्य ट्रैफिक इंस्पेक्टर और ऑटो चालक मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए TSI जग नारायण ने लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके। आपको शायद जितने यहाँ ड्राइवर हैं, वाहन चालक हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, ऑटो रिक्शा खासतौर से, वह बिल्कुल अगर थोड़ी सी भी यातायात नियमों का उनके महत्व को समझकर पालन करें तो कहीं टेम्पो वालों से जाम नहीं लगे। सके सबको जाना है यातायात नियमों का
ईमानदारी से पालन करें। करने का अब वक्त आ गया है, पहले कम वाहन थे चल जाता था, लेकिन अब चलने वाला नहीं। जनता जागरूक हो गई है, आपका फोटो ले रही है, बराबर ऑटो रिक्शा का जो ऐसे करते हैं उनका फोटो वहां तक जा रहा है, अगर जाता नहीं तो शिकायत कैसे करेंगे। इसमें आप लोग हृदय से परिवर्तन करें। यातायात जो चलता था उसमें बताया जाता, अभी बताया जा रहा है, आप इसको सुनने की बात नहीं है, ये सुनने के लिए नहीं है, ये हृदय में अपने अंदर उतारने की जरूरत है, ये अपने अंदर रखने की जरूरत है। यह जीवन बहुत ही अनमोल है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष पर गावा, दूर दूर न बसंत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नहीं पर लोक सवारा। ये मेरे दोस्तों, यह ईश्वर की असीम कृपा है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो हमको मनुष्य जीवन मिला है, और उसके साथ साथ पल पल मुझे जीने का अधिकार मिला है। ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर ने आपको किस तरह पल पल जीवित रखा है। आपके गलती से, आपकी लापरवाही से किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, इससे दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही, जाते जाते डालते एक नजर हेडलाइन पर। जिला वैधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 36,330 वादों का हुआ निस्तारण, वसूले गए 1,18,29,432 रुपए। शादी समारोह में हुई मारपीट में युवक की मौत, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ कैंड ने किया खुलासा। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगा शौचालय निर्माण में लगने वाली राशि। गोरखपुर पुलिस और एसटीएफ को मिली संयुक्त रूप से कामयाबी, पकड़ा गया 15,000 का इनामी बदमाश, सीओ बासगांव ने किया मामले का खुलासा। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ का संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न, विभिन्न एजेंडों पर हुई चर्चा। ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत प्रदेश के सिंचाई एवं जिले के प्रभारी मंत्री ने शनिवार को विकास खंड चरगावा के विशुनपुर गांव में लगाया यात्री चौपाल, कहा गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी भाजपा। नियुक्ति को मांग को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी टू सैन रिजर्वेशन संगठन के सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष किया मौन प्रदर्शन। विश्व पृथ्वी दिवस एवं गंगा सप्तमी पर वन विभाग के विभिन्न रेंजों में किया गया वृक्षारोपण और निकाली गई प्रभात फेरी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक हुई संपन्न, 20 मई को आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन को सफल बनाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। 47 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई ग्रुप ए की पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। और यातायात गोष्ठी में लोगों को दी गई ट्रैफिक नियमों की जानकारी। आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।